हेलो दोस्तों, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जैसे कि आज हम लोग आए हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के क्लास में, और यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उनको किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, और यहाँ के स्टूडेंट से भी हम लोग जानकारी लेंगे कि उनको यहाँ पर किस तरह से ट्रेनिंग मिल रही है। तो फाइनली BMS के क्लासरूम में हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, और अभी हम लोग यहाँ पर जो स्टूडेंट का जो ट्रेनिंग चल रहा है, कुछ स्टूडेंट से भी हम लोग बातें करेंगे कि उनको यहाँ पर किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका और किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं? मेरा नाम शाही आजमी हुआ, मैं लोहरदगा झारखंड से हूँ। शाही, मुझे एक चीज़ आप बताइए, आप यहाँ पर BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ट्रेनर किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं? सर, यहाँ पे हमारा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का जो ट्रेनिंग होता है वो थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों यहाँ पे होता है, कि जो भी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं थ्योरी बेसिस पे भी कर ले और साथ में उसको प्रैक्टिकल पे भी कंप्लीट करके हम लोग देख ले। तो इससे हमारा सारा जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाता है। जैसे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूँ तो उसमें हम लोग शुरू से जैसे स्टार्ट किए थे हम लोग पैनल डिजाइनिंग से, उसके बाद फिर ड्राइवर, फिर PLC, स्काडा, उसके बाद हमारा आने वाला टॉपिक है HVAC, CCTV और इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह हमारा पेंडिंग है, तो वो धीरे धीरे क्लास में हमारा कवर होते जा रहा है। तो शाही, जो आपको यहाँ पर जो सारा सिस्टम आप जो कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल और थ्योरी ये सब जो सारी चीज़ें कराया जा रही है आपको, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग मिल रहा है हम लोग को, लाइव जहाँ पे काम करना है वहाँ पे हमारा इजी ये काम हो जाएगा, क्योंकि सेम इसी तरह हमें फील्ड में भी काम करना है। तो उसके लिए हमें जैसा प्रिपरेशन किया जा रहा है वहाँ जा करके मुझे नहीं लगता कि कुछ और प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि कल को जाके अगर मान लिया इंडिया या गल्फ कंट्रीज़ में अगर आप जाते हैं तो मैंने आप वहाँ पर मैंने एज ए BMS में आप इजीली जॉब कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा प्रिपरेशन यहाँ पे अभी तक जैसा कराया गया है, मुझे तो लगता है कि मैं जा कर के वहाँ पर काम कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ओके शाही, तो शाही आप मुझे एक चीज़ बताइए, अभी ये जो सिस्टम में आप जो काम कर रहे हैं ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली हम लोग अभी PLC और स्काडा पे काम कर रहे हैं। पहले तो PLC में हमने प्रोग्रामिंग बनाया, उसको रन करा करके ये जो डिज़ाइनिंग है कि कोई भी इनपुट से आउटपुट कैसे रन कराया जाता है, एक सिंगल आउटपुट से बहुत सारे आउटपुट ले सकते हैं, इनपुट से आउटपुट ले सकते हैं, उसी तरह बहुत सारा चीज़ है। तो अभी हम लोग स्काडा पे काम करें, दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम करें जो PLC से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो स्काडा में क्या कर रहे हैं, जो PLC में हमने काम किया उसी को स्काडा में शो कर रहे हैं कि स्क्रीन पर वो कैसे हम लोग काम करते देख सकते हैं। कोई भी इंसान अगर देखना चाहे कि PLC में मैंने क्या काम किया है, बैकहेंड में काम किया है, तो वो स्काडा में हमें दिख जाएगा। ओके शाही, थैंक यू। तो जैसा कि दोस्तों अभी मैं स्टूडेंट से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर उनको फुल्ली सेटिस्फैक्शन ट्रेनिंग मिल रही है। जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनको PLC प्रोग्रामिंग, स्काडा, ड्राफ्ट्स, पैनल डिज़ाइनिंग ये सब के बारे में उनको बताया जा रहा है, साथ में उनको यहाँ पर फायर अलार्म सिस्टम के बारे में भी बताया जाएगा, फिर उसके बाद उनको प्रोग्रामिंग के बारे में भी, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग है, उसके बाद HVAC है, और भी प्लम्बिंग, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल वगैरह ये सब सारी चीज़ों के बारे में उनको भी बताया जाएगा। तो अभी हम लोग और आगे चलते हैं और भी स्टूडेंट से कुछ बात करते हैं कि उनको यहाँ पर किस तरह का फीलिंग हो रहा है, ठीक है, उनको किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। आइए, आपसे मैं कुछ जानना चाहूँगा, पहले तो आप मुझे ये बताइए आपका क्या नाम है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं? जी, मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं बक्सर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिहार से। तो सौरभ, आप यहाँ पर BMS का ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो ट्रेनर हैं, जो आपके जो टीचर हैं, वो किस तरह का ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं? सर, ये हम BMS ऑपरेटर का जो टीचिंग है उसे सीख रहे हैं, मतलब कि BMS ऑपरेटर पे काम कर रहे हैं, सारा जो उसमें होता है पैनल डिजाइनिंग होता है, उसके बाद ड्राइव्स होता है, फायर अलार्म सिस्टम होता है, और मतलब कि PLC प्रोग्राम, स्काडा और HVAC सिस्टम होता है, जो मतलब कि हम पूरे बिल्डिंग को एक रूम से बैठ कर ऑपरेट करते हैं, इसकी ट्रेनिंग मिलती है हमें यहाँ पर। तो सौरभ, आप यहाँ पर जो ट्रेनिंग आपको जो मिल रहा है, ठीक है, आपके जो ट्रेनर आपको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं? सर, हम
फुली सपोर्ट मतलब संतुष्ट हैं कि इसमें कुछ हमें डाउट नहीं रह रहा है और जो हो रहा है वो हम क्लियर कर ले रहे हैं, मतलब कि जो थ्योरिटिकल है या मतलब कि प्रैक्टिकल है सारा हम क्लियर कर ले रहे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो अभी सौरभ अभी आप सिस्टम में क्या काम कर रहे हैं? सर हम अभी एस्काइडा पे काम कर रहे हैं। एस्काइडा में? हाँ जी। तो एस्काइडा में क्या काम कर रहे हैं अभी? एस्काइडा में सर मतलब कि एक इनपुट से दूसरे आउटपुट को चलाना और मतलब कि विदाउट मतलब कि प्रेस स्विच के बिना स्विच दबाए हुए हम कंप्यूटर से सब कुछ ऑपरेट कर लेंगे। ओके दोस्तों, जैसा कि ओके थैंक यू सौरभ। तो जैसा कि अभी सौरभ ने बताया कि अभी जो यहाँ पर उनको जो ट्रेनिंग मिला है ये फुली सेटिस्फाइड हैं और यहाँ पर जो ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर है वो उस लेवल पे है कि कल को जाके कहीं भी वो इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे तो वो एज ए बीएमएस में वो काम करने के लायक हो जाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं जो यहाँ के जो मेन ट्रेनर हैं, जो हमारे जो फैकल्टी हैं जो बीएमएस के यहाँ पर जो ट्रेनिंग देते हैं, उनसे भी हम लोग कुछ बातें करेंगे कि वो बच्चों को किस तरह से यहाँ पर ट्रेंड करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? एजाज अहमद मेरा नाम हुआ सर। एजाज सर एक चीज़ मुझे आप बताइए कि आप यहाँ पर जो बच्चों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें आप बच्चों को किस तरह से ट्रेंड करते हैं? एक्चुअली बिगनर के लिए जब वो किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए सब चीज़ अनजानी सी होती है, तो वो किसी चीज़ को पहचानते तो है नहीं, तो चूँकि करियर भी इनको अपना टेक्निकल में बनाना है तो उसके मुताबिक जो है हम लोगों ने कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पैनल डिज़ाइनिंग पे जो मतलब एनर्जी सिस्टम होता है उस पर खूब काम कराते हैं उनको, ताकि उनका जो है एक हिडिटेशन और मैनुअल पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी तक हम ऑटो में बिल्कुल नहीं आते हैं, फिर हम उनको ड्राइव सिखा देते हैं कि देखिए इस मोटर को जो है हम या इस पंप को हम कैसे फ्रीक्वेंसी के ज़रिए जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रोल में ले सकते हैं। और जब वो उनका जो ग्रोइंग कैपेसिटी है और जो मतलब मोरल जो है बिल्कुल हाई होने लगता है, तब मैं उनको पीएलसी में लेके आता हूँ कि अब जो काम हम लोगों ने किया अब उनको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो एक अलग सा पार्ट हो गया, अब सॉफ्टवेयर में काम कीजिए, बिल्कुल आपको स्विच ऑन यहीं से करना है, यहीं सॉल्व कराना है। तो जो अभी जो प्रेजेंटली जो हमारे पास में जो बैच है वो यहाँ तक पहुँच गई है कि उनको आप जो है पैनल डिज़ाइनिंग के धक्कों से या मतलब ड्राइव के जो है सेटिंग से बिल्कुल परे करके अब हम सिस्टम में बैठा चुके हैं। यहाँ पर वो बैठ के बिल्कुल जितने भी आउटपुट्स हैं, चाहे वो एचवीएसी हो, लार्ज नंबर हो, और उसके बाद लाइट्स हो, फैन हो, ठीक है, उसके बाद फायर अलार्म सिस्टम हो, सबको यहाँ देखेंगे भी और यहाँ से वो कंट्रोल भी कर लेंगे। तो एक ऐसा फील्ड होता है कि एक मेंटली प्रिपरेशन भी जो है ना मैं उनको देता हूँ यहाँ पे। और यही हमारे डायरेक्टर साहब का भी कहना है कि हमको क्वालिटी चाहिए बच्चों में ताकि वो अपने फ्यूचर को ग्रो कर सकें। और इसके अलावा अगर वो वीक रह जाते हैं, अगर वो वीक भी रह जाते हैं तो उनको फिर से बुलाइए और फिर ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो सक्सेस हासिल कर सके। थैंक यू सर। तो दोस्तों जैसे कि अभी एजाज सर ने बताया कि यहाँ पर जो बच्चों को जो ट्रेनिंग जो दी जाती है तो उनको फुल्ली सेटिस्फाइड किया जाता है, और जो ऐसे बच्चे जो थोड़ा अनसेटिस्फाइड होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती है कि वो आके यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस भी करें और यहाँ से फुल्ली सेटिस्फाइड होके जाएं और कल को जाके वो अपना कैरियर को डेवलप कर सकें। थैंक यू सो मच।